अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं वफ़ न्यूज़ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल या फेसबुक पे वफ़ न्यूज़ का फेसबुक पेज। सबसे पहले अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। हम डेली वीडियोज़ बनाते हैं और कोशिश करते हैं जो भी करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान है उस पर आपको अपडेट करें, क्योंकि खबरनामे में और ख़बरों में पूरा सच नहीं मिलता, पूरी बात नहीं मिलती, हम आपको डीप एनालिसिस करके बताते हैं। तो चलिए जनाब, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो जो है इसमें हम आपको बताएंगे कंपैरिजन करके कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, चाइनीज़ एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स, इनके कंपैरिजन करके हम आपको आइडिया देंगे कि कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसके कौन से प्लस पॉइंट्स हैं, किसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। परफेक्ट इन तीनों में कोई भी नहीं है, लेकिन यह है कि बहरहाल फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको ग्रेडिंग करके कुछ आइडिया दें। अच्छा जनाब, इंडियन न्यूज़पेपर में क्लेम हुआ है और इंडियन खबरों में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जो उनके मिनिस्टर हैं, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गंजी सरकार, उन्होंने एक एयरबेस विज़िट की है, एयरबेस विज़िट कर ली जनाब उन्होंने, और वहाँ उन्होंने जाके अपने एयरफोर्स के जो उनके नए पायलट्स बन रहे थे उनको उनका खून गर्म करने के लिए, उनको जोश दिलाने के लिए कहा कि जी पाकिस्तान से हमारी चार जंगें हुई हैं और पाकिस्तान ने जो है वो चारों जंगें हारी हैं हमसे, और उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आ रहा। तो पता नहीं ये कौन सी चार जंगों की बात कर रहे हैं, इनको शायद 65 की अपनी पिटाई याद नहीं है। हाँ, 71 में ज़रूर थोड़े से मामलात हुए थे और वो भी कुछ मिसहैंडलिंग्स हमारी तरफ से भी थी बांग्लादेश के हवाले से, जो बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और वहाँ पे जाहिर सी बात है एक सप्लाई लाइन कटी हुई थी। आप मेन लैंड पाकिस्तान से इतना दूर थे तो वहाँ पे हमारे फौजी जो थे वो नंबर में बहुत ही कम थे, उधर से उनके अपने भी मुक्ति बहानीज थे और इंडियन फ़ौज भी इंटर हो गई थी, वो एक अलग मामला था और उसमें भी हमने काफ़ी टफ टाइम उन लोगों को दिया था। लेकिन उसके बाद कारगिल हुई, कारगिल का वो भूल गए शायद कि उन लोग कितनी मार पड़ी। उसके बाद अभी सबसे बड़ी बात जो रिसेंटली पिछले साल अभिनंदन वाला मामला हुआ, 30 फंटेस्टिक वाले अभिनंदन जो थे हमारे, वो भी भूल गए, लेकिन ये कि खैर उनको याद नहीं है। बहरहाल एनी हाउ, वो अपने एयरफोर्स के जो जवान थे उनको जोश दे रहे थे झूठी बातें करके, तो ठीक है उनके लिए अच्छा है। अच्छा जी, इसी तरह से जनरल बाजवा जो हैं हमारे, उन्होंने भी ठट्ठा के अंदर एयरफोर्स बेस जो है उसका दौरा किया। वहाँ पर इस वक्त मशकें चल रही हैं पाकिस्तान और चाइना की, इकट्ठे ये लोग मशकें कर रहे हैं कि अगर इनकेस इंडिया जो है वो अटैक करता है चाइना या पाकिस्तान पे, तो कैसे ये लोग म्यूचुअली एक दूसरे के साथ जो है वो मामलात करेंगे और कैसे उसका काउंटर नैरेटिव दे के काउंटर जवाब देंगे उसे। तो वहाँ पे हमारे भी चीफ गए थे, लेकिन हमारे चीफ ने इस तरह की बड़ी बड़ी बातें नहीं की, कोई भड़के नहीं मारी, कोई बोंगियाँ नहीं मारी, और ये है कि अच्छे तरीके से उन्होंने अपने जो जवान थे उनका जज्बा बढ़ाया और उन्होंने मुआयना किया। अच्छा जी, अब मामला ये है कि पाकिस्तान और चाइना की जॉइंट एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अब दौर जिस तरफ जा रहा है, इंडिया की जारियत जिस तरह बढ़ रही है, सिर्फ इंटरेस्ट अब पाकिस्तान का स्टेक पे नहीं है, चाइना का भी है, तो ये दोनों ममालिक जो हैं वो एलाइज भी हैं, स्पेशली सीपैक जो बन रहा है उस हवाले से, जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है चाइना का, पाकिस्तान का भी डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट है। गिलगित बल्तिस्तान हो गया, गवादर हो गया और ये सारा जो बेल्ट है, तो इस हवाले से इन लोग मिल के काम कर रहे हैं और इनको आगे भी मिल के काम करना पड़ेगा अगर इन्हें मामलात करने हैं। रिसेंटली जो अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग हुई है उसमें ये देखने में आया कि जो एयरफोर्स है उसका बहुत बड़ा किरदार होता है किसी भी जंग को जीतने या हारने में। बहरहाल फाइनल डिसीजन जो होता है वो ज़मीनी फोर्सेस के हाथ में होता है, लेकिन जो एयरफोर्स होती है वो बहरहाल एक डेंट ज़रूर डालती है, बड़ा डेंट डालती है, और अगर एयरफोर्स किसी एक साइड की स्ट्रांग है और वो कोई एक्शन कर लेती है तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल रिज़ल्ट होता है जंग का, वॉर का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम आपको बताएंगे इंडियन एयरफोर्स के हवाले से। जनाब, इंडियन एयरफोर्स जो है उनके पास राफेल तैयारे आए हैं रिसेंटली, जो उन्होंने फ्रांस से परचेज़ किए हैं, फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं ये, और इससे कहीं ना कहीं उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ी हैं, क्योंकि इससे पहले उनके पास सेकंड और थर्ड जनरेशन के जो फाइटर जेट्स थे वो 25-25, 30-30 साल पुराने, कारगिल के दौर के थे वो, और उस टाइम में उनको 10 साल हो गए थे, तो वो अपग्रेडेड नहीं थे। और इसी तरह के एक पुराने जहाज़ में मिग के अंदर जो है वो हमारे अभिनंदन साहब आए थे, जिनको F-16 के साथ उन्होंने किया था और वो गिर गए थे नीचे। बहरहाल तो उनके पास राफेल आए हैं 7-8 तैयारे जिनसे उनकी काफ़ी बेहतरी हुई है, और ये कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत एक एज है। उसके बाद इंडिया के पास एक एयर डिफेंस सिस्टम भी है जो कि अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके पास ये चीज़ मौजूद है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, उनका जो ओवरऑल इक्विपमेंट है चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम का हो वो भी पुराना है, उनके ओवरऑल एयरक्राफ्ट से पुरानी है। समझिए कि अगर टोटल 200 उनके पास जहाज़ हैं और उसमें से अगर सिर्फ 10 जहाज़ राफेल आ गए हैं तो बाकी 190 जहाज़ उनके पास 25-30 साल पुराने ही हैं, ये एक बहुत बड़ा उनका ड्रॉबैक है। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान के पास देखा जाए तो पाकिस्तान की ओवरऑल इक्विपमेंट काफ़ी एडवांस है, JF-100, JF-14, 16, और चाइना के साथ उन्होंने मिल के जहाज़ बनाए हैं, उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और ये भी थर्ड फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स हैं।
और पाकिस्तान जो है इस हवाले से इंडिया के मुकाबले में कम्पीट कर रहा है, उसे उसके बिल्कुल साथ खड़ा है शाना बशाना। और कहा यह जाता है क्योंकि पायलट जो पाकिस्तानी पायलट हैं उनको पूरी दुनिया में माना जाता है, और कहा जाता है कि टेक्निकलिटी के अतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी पायलट्स ओवरऑल उनको एक मुश्किल टाइम, इंडिया को टफ टाइम देंगे अगर इन केस कोई वॉर या कोई ऐसा मामला होता है तो। अच्छा जी, अब इसके बाद चाइना के ऊपर नज़र डालते हैं। चाइना जो है उसके सिचुएशन पाकिस्तान इंडिया दोनों से बेहतर है। वो इस तरह के चाइना के पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, उनके पास थर्ड और फोर्थ जनरेशन के साथ साथ फिफ्थ जनरेशन के जो हैं वो एयरक्राफ्ट भी हैं, जो कि पाकिस्तान इंडिया दोनों के पास नहीं है। चाइना के पास जो है वो कैरियर भी है, एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, और इंडिया के पास एक है, पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की कॉस्ट लाइन बहुत छोटी है और इंडिया की बहुत बड़ी है, तो उनके पास एक है सिर्फ, वो भी काफ़ी पुराना है। बहरहाल चाइना जो है वो काफ़ी एडवांस्ड है इंडिया से, और उसको ये बहुत ज़्यादा एज है कि वो इंडिया के साथ अगर कोई इस तरह के मामला होते हैं तो चाइना उनको बहुत टफ टाइम देगा, जो कि ऑलरेडी दे भी रहा है। अच्छा जी, अब मामला इस तरह से है कि पाकिस्तान को एक और एज भी है, वो किस तरह के, पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो इस टाइम बहुत से अरब ममालिक के एयरफोर्सेस के अंदर हैं, कतर एयरफोर्स के अंदर हैं, सऊदी रॉयल नेवी के अंदर हैं, जॉर्डन के अंदर हैं, और बहरीन के अंदर भी हैं, और ये वो ममालिक हैं जिनके पास रफेल तैयार ऑलरेडी मौजूद हैं, वही रफेल जो फ्रांस से ख़रीदे हैं इंडिया ने, वो इन लोगों के पास, इन मुल्कों का ऑलरेडी हैं। और पाकिस्तानी पायलट्स के पास भले पाकिस्तान में ये तैयारें नहीं हैं, लेकिन इनको एक्सपीरियंस है ये फ्लाई करने का, इनको एक्सपीरियंस है इनकी हैंडलिंग का, इनके पैरामीटर्स सारे, की स्पीड कितनी है, किस तरह मार करेगा, किस तरह से अटैक करेगा, और इसको काउंटर अटैक किस तरह करना है, ये सब बातें पाकिस्तानी पायलट्स जानते हैं। उसके बाद सबसे एंड पे जो मामला हुआ वो ये हुआ है कि चाइना में इंडिया जो है वो बहुत मुश्किल है, चाइना इंडिया बॉर्डर के ऊपर हालात काफ़ी ख़राब हैं, चाइना ने उनको गर्दन से समझे पकड़ा हुआ है। भूटान के साथ चाइना ने कॉन्टैक्ट किया है, और इंडियन बॉर्डर के साथ एक इलाका है जहाँ पर एयरबेस जो है वो भूटान और नेपाल से ले ली गई है, और चाइना ने अपने वहाँ पर जो है स्टार्ट कर दी हैं अपनी एक्सरसाइजेज, अपने जहाज़ पहुँचा दिए, अपने फौजी पहुँचा दिए। इसी तरह अक्साई चीन जो इलाका है बल्तिस्तान के साथ और कश्मीर के साथ, जिसमें चाइना का क्लेम है, वो इस वक्त चाइना के कंट्रोल में है, तो वहाँ पे भी उनके जो है जहाज़ और वहाँ पे एक्सरसाइज मौजूद हैं, सेटेलाइट इमेजेज इंडियन टीवी के ऊपर चल रही हैं। तो अब देखना यह है कि क्या होता है, क्योंकि इंडिया बहुत परेशान है, और एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि शायद आने वाले कुछ दिनों में जो बाइडेन के आने से पहले पहले इंडिया कोई छोटा मोटा कोई एडवेंचर ज़रूर करेगा, इधर पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ। अब देखना यह है कि किस लेवल का होता है और इसमें एंडिंग क्या होती है इसकी, तो ये जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रहेगी इस स्टोरी में हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ताकि आप तक हमारी वीडियोस सबसे पहले पहुँच सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।